अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जनाब जुमे का दिन है, भाट साहब अपने मोर्चे से गायब हैं और बतखों को पता नहीं आज कौन संभाल रहा है। और आज अंडे कितने आए हैं ये भी नहीं पता। वैसे चल के करीब देखते हैं, उसी का अंडे पड़े हों। ये देखें बतखों को चेक कर रही है आगे, ये यहाँ पे बतखें क्या कर रही हैं। नरों की भी अपनी ज़िंदगी होती है जी। एक वो बैठा हुआ है, एक ये घूम रहा है और मादियाँ सारी उधर घूम रही हैं, बाहर निकल गई। फिलहाल तो इधर अंडा कोई नहीं नज़र आ रहा जी। पिंजरे की बैक साइड पे भी जनाब हम पहुँच गए, यहाँ पे भी अंडा कोई नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ तो आज इन्होंने दिए ही नहीं और यहाँ ये उठा के ले गए। ये देखें थोड़ा सा मौका मिला ना, सारी बाहर निकल के घास खा रही हैं आके। ये देखा अब उधर आगे आगे दौड़ लगा रही हैं बजाय इसके के पीछे जाने के तो इनके पार जो है ट्रिम कर दिए थे, इसलिए अब उड़ती नहीं है। ये देखिए इस तरह बंदे को घेर लेते हैं, बंदा चल ही नहीं सकता। चले कैसे चले, ये देखिए अंदर, फिर अंदर बंद हो गए। अंदर क्यों घुस जाते हो हैं, फिर अंदर बंद हो जाते हो। बस्तर वाली भी अंदर ही बंद हो गई। आ जा आ जा, तो मालिक भी अंदर ही है, इसको इधर रख देते हैं कि काम ठीक हो जाए। अब दबाव दौड़ शुरू कर दिए इन्होंने। यही रौनक होती है, कोई भी फार्म है ना उधर यही रौनक होती है। ये बच्चे पैदा होते हैं तो फिर रौनकें लग जाती हैं। जो बच्चा डिस्टर्ब था वो शायद ये वाला था, और आज भी ये फुली रिकवर्ड नहीं है, पार्शली रिकवर्ड है थोड़ा सा ना, उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह ये दूसरे हैं ना। शुएब साहब से पूछते हैं इसकी सूरत हाल। असल में ना जब ये बंदे लड़के लापरवाही करते हैं फिर काम खराब होता है। अब परसों ने क्या किया कि ये पर्दे सारे रात को खोल दिए, रात को ठंड थी इन्हें ठंड इसे ठंड लगी है। आज रात को ये पर्दे सारे काफ़ी सारे बंद करवाए थे, लेकिन रात की बंद है, कुछ खुले हुए थे, इसलिए ये थोड़ी सी लापरवाही कर देना तो फिर उधर काम ख़राब हो जाता है, तो मुसलसल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है इनकी। ये देखा ये बच्चे जो होते हैं ना हर जगह पर ये ना मुँह मारते हैं, लेकिन जाली खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी इधर फट्टे से कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, ये देखें ये अगर इधर मिट्टी तक मुंह पहुँचे मिट्टी पे भी मुंह मार देंगे। इसलिए ना इन्हें शुरू में मिट्टी से बचाना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर बच्चों के पेचस लगते हैं और बीमार होते हैं मरते हैं, बुनियादी वजह यही होती है कि मिट्टी नीचे बड़ी होती है। इसलिए कोई इस तरह का कोई निज़ाम बना लें, कोई नीचे घास बिखेर के बना लें, घास उगा लें, कोई बगीचा तो सारा साल उसे हरा भरा रखा या बच्चे आए उसमें छोड़ दिए। केले खुलेंगे भी ठीक, और बच्चे 3 माह तक दूध जब तक पिए वहीं पर रहें, और उसके बाद
को धो के अपने इस्तेमाल में लें बगीचे को, क्योंकि इन्होंने तो 3 माह तक गया ना होता है ना इन मिट्टी से दूर, जरा जब तक ये सही दूध छोड़ते नहीं 3 या 4 माह, मतलब इनको मिट्टी से बचाना बड़ा ज़रूरी है अगर इन्हें ज़िंदा रखना है तो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिनके पास जगह खुली होती है या साफ सफाई सुथराई बड़ी होती है, वहाँ पे मैंने देखा है मिट्टी में भी बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, उनमें से भी कुछ मरते हैं और फिर अक्सर जगह पे बहुत ज़्यादा मरते हैं ना, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकते ना बच्चों में। वजह यही है कि यही तो फार्मिंग है, यही मर गए तो आगे तो गेम ही सारी ख़त्म हो जानी है, तो इसलिए इन पर रिस्क नहीं ले सकते ना बिल्कुल। खड़ा तो वैसे चुपचाप, लग तो वैसे पहले से बेहतर ही रहा है, जिस्म बराबर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इधर भी आए ट्रैक्टर करा चला के, तो इसको सारे को बिखेरना है अब, और इन्हीं दिनों में यहाँ पे जंतर की काश करनी है। दूध पी रहा जनाब उल्टे होके, गया माँ के नीचे गुस्सा। दो कुछ भी माँ बा गई। इसे कहते हैं ख्वाबे खरगोश के मज़े लेना, ये ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा है, मस्त होके सोया हुआ है। ये उठ गया, ये सो रहा था। मैंगनों की स्टोरेज भी जनाब हो रही है, चेक करते हैं मटीरियल कितना बड़ा। चीची वाला कंटेनर भी चेक करते हैं, भट साहब आज छुट्टी पे है तो नया लड़का जनाब इधर एक गेट पे बिठाया हुआ आज इन्होंने। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है, किसे ढूंढोगे इन गलियों में नासिर, चलो अब घर चलें दिन जा रहा है। केई जी मेरी भी एक साइकिल ले आओ दे। तेरा से साइकिल साइकिल लेनी है? हां चल ले ली, फिर अगले महीने ले दे आने। अच्छा मन्ना किथे ही? मन्ना घर है। अच्छा चल ठीक है, अगले महीने आहो मन ना ही फिर कल मैं आवा है मन ना ही फिर कल मिला दा नु आके फिर टिकियां दे आदा आंदा पे कोई नहीं ओ आंदा पे मन आ गए आहो आंदा पे हां जी का टंटा था जी मन आंदा पे आ गए आ जी था जी। मेरा क्या नाम है? अब्दुल जी तो पूछो वो क्या नाम है? अब्दुल नहीं अब्दुल है मन तेरा नाम अब्दुल है? और सुना ठीक है? थोड़ी माली मन लगी। क्या करना है फिर? अंदर अंदर लम्मा पे है इधर तो वे है। क्या करना है फिर? लम्मा पे है। कितने लम्मा पे है? अंदर ए पूछो फिर बाहर नहीं लम्मा पेंदा कुछ की जल्दी के पैचो है अंदर हो गया ए बाल मंडी तो नहीं रहा अंदर अंदर मंजी है नहीं चल मानिया फिर सवेरे मैं आना फिर है तो फिर जरा ना तेन टाफिया वैसे पैसे दया हूँ लेने लेने आया।
ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੜਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਟਾਫੀਆਂ ਆ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆ ਲੈ ਫਿਰ ਜਾ ਫਿਰ माना भी खुश हो गया। ये काकी मिल गया, उसकी माँ कहती है कि उसको ईद के लिए कपड़े ले देना, सिले सिलाए। काकी को कपड़े के पैसे देते हैं, 2000 के आ ही जाएंगे। ऐतरा ऐला लै भी फिर अभी अब इस तरफ जाना है तो फैक्ट्री रास्ता जाएगा, इस तरफ जाएगा फॉर्म पे। मेरा दिल है कि इधर जाके चेक करते हैं क्या बनता है, सलमान है कि नहीं। आओ जी, आज असल में ना अपने वाले साहब जा रहे हैं उमरे पे, तो अब आएंगे ईद के बाद, तो इसलिए जो ईदी लेने वालों का प्रेशर जो है ना इस पर मुझ पे बहुत ज़्यादा आ जाना है। मैं हूँ ज़रा कंजूस आदमी, क्यों सलमान जी वो पिंडी फुटी है कोई नहीं फुटगी सारी। अच्छा जी, मैं तो आख्या साड़ी किस्मत ही फुटगी। मैं तो कहना एक मेरे को फार्मूला है वो करो ना, देख रहा पिंडी फुटगी केड़ा इनू ना खारियां ते खोते दी लिद पाओ ले ऑर्गेनिक खोते होंदे ना बब्बी दे ते चिट्टे खोते दी लिद होनी चाहिए ते लिद काली होवे लिद काली ते खोता चिट्टा हां ते खोते दी होवे खोती दी ना होवे खोती ठंडी होंदी खोता किन्ना चिर किन्नी की उम्र होना चाहिए दोंदा होवे हमिंग बर्ड का जोड़ा इधर घूम रहा है यार, अंदर कमरे च कोई आलना पाया तो दरवाजा बंद कर दिता है, उधर किचन का खोलो हाँ दरवाजा थोड़ा जा जाके। आहो कि इन्हों दिन आए ने आलने बनाने दे। ये है एक चिड़िया है और एक ये काले रंग की चिड़िया छोटी सी, ये भी छोटे छोटे हैं। ये दे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया ना, अब उधर जाके बैठ गया, देखिए अंदर जाता है कि नहीं जाता है। उड़ गई काश्तकारी का काम तो जनाब जारी है, इधर घास लग गया। केड़ा अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन? अमेरिकन। अमेरिकन घास जनाब यहाँ पे लग गया, अब इसको रोज पानी लगाना है तो ये यहाँ पे हो जाएगा ठीक। यदि कटाई कदों होनी? 4-5 दिन बाद बस। हाँ जी एडी छेती बस अमेरिकन है ना। अच्छा जी, एक कितने फुट का? ये फुट बने हैं जी 700 फुट। 700 स्क्वायर फुट है? 700 स्क्वायर फुट। एक कितने का लगा जी? ਇਹ ਲੱਗਾ ਜੇ 20,700 ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। 30 ਰੁਪਏ ਫੀਟ ਜਨਾਬ, 700 ਫੁੱਟ 20,700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਸ। ਕੋਰੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੈ। 35 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰੀਅਨ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁੱਪਦਾ ਚੁੱਪਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਦੇ? सवे थे उल्टी आई? उल्टी थोड़ी बहुत आ रही है जी। रोज दी डेली? कोई दम नहीं, पहला नगा आंदी कर छट दियो फिर। ये हुन जदु दवाई खा दिए ना कोई कृपा से जो देता ना बाग खा दे। दवाई खा रहे हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो ठीक, फिर तो फिर भी उल्टी आ रही थोड़ा जल्दी जस मारे के जिने करे कर से। ये सवे तो थोड़ा और थले टूट जो फिर और तरह जी तोड़ सकते हैं सरकार कहीं नहीं चल रही ये भाई जाएगी। अरे उतना चपता ना रोटी दो नहीं कहीं चल रही उल्टी भी ना जाएगी। ऐसी गर्मी हो गई है जी बाहर, इधर गाड़ी में तो आउटसाइड टेम्परेचर 25 जो है ना वो जाए सामने आ रहा है, लेकिन अब जो है ना पसीना आना शुरू हो गया। साइकिल माफिया भी आ गया। और सुना क्या हाल है? और इधर हो जाए मोटरसाइकिल वाले नंगने।
किधर चलना है हम? ठीक है ए बाबा जी, ए के बेच के आए हो? अच्छा अच्छा सही। चक्कर लाना गलती कर बैठे हैं। सब्जी गट बैठे हैं। कोई कुताना निकला के कोई? अंदर गए हो? नहीं देखा थे, तक जाना। एक बार जाओ जाने अंदर, वो काला जा मुड़ा हो था उन मिलियो जरा मेरा सुनिया दियो। चलो ठीक। और भाई ये शादी की लगे है? हैं जी हां। एथे यार रेडियो लाग सुनी दा। अच्छा बैल रख ली। हां और रेडियो ते ना वीडियो देखी दा। हां और यार ठीक। ते 32 तारीख नु फिर आ जी है कुत्ता लेने। शाजी आ मन पता लगा 32 तारीख हंदी कोई नहीं की कर दे। अच्छा ले झूठिया ਗਸਮੇ ਸ਼ਾਜੀ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 32 32 ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ 32 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ 32 ਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕਸਮੇ ਸ਼ਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਚ ਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜੀ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਤਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਆਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ 32 ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ तेतीं तारीख नूं आ जी। ਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੈਲਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਸ ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਜੇ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਨ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜਨੇ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਟਾਈਮ ਦੇਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਮਾਂ ਚਲੀ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾ ਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਗੋਡੀ ਕਾ ਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਅਬ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਸੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅਬ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। लेबर तो जनाब अभी तक काम कर रही है यहाँ पे। उतने का बाग भी जनाब अभी बड़ा सेहतमंद हो चुका है जी। ले लो पुदीना। ये देखें पुदीना। ये जनाब बकरियों का जो फुजला आया है छानने से इस तरह साफ हो गया तो ये पैक हो गया। वो जो बाबा सब्जी वाला इधर आया था वो इन्हें डरा गया। क्या आ रहा जी? वो कहता जी जड़ा मलड़े ना बकरिया ना मेंगना नहीं जड़िया वो सब वो इस्तेमाल करो ये जड़िया 3-4 साल पुरानी है ना बकरी है नहीं यार साथे डाक के मेंगन रख रही है। बकरी जाने दी तुसी जा। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪਾਉ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉ ਤਾਜ਼ੀ ਵੇਂਗਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਜੀ ਗੰਡੋਏ ਛੇੜਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡੋਏ ਨੇ ਖਾ ਛੇੜਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗੰਡੋਏ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਬਸ ਆਏ ਖੜੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕੈਂਚੂਏ ਕੈਂਚੂਏ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਆ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਵਲਪੁਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਓ ਅਬ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲਗਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮਾਨਾ ਸੈਂਟਰ ਮੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਗਾੜੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਚੱਲ ਰੋਦਾ ਖੋਲ ਚੱਲ ਕੇ
खोती रेडी चला पैसे होर दो मैं अगले कितने खा छे सुबह नी आवे दिहाड़ी लगन दी ये बेचारी भट्ठे की लेबर है और इनकी बस इसी तरह जिंदगी बच्चे बेहिसाबे इनके होते हैं वसाइल होते कोई नहीं यही प्रॉब्लम है ना हमारा कि हम पाकिस्तानी जो है ना ये मकदार पे जो है ना वो ज़्यादा तोजा करते हैं म्यार पे हमारी तोजह नहीं होती तो एंड पे आके ना फिर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता अबू पानी पड़ा है कोई नहीं पड़ा चलो ठीक दूसरी भाई ना ये इधर दिन को गर्मी हो जाती है ना बड़ी तो इनके ठिकाने अब अंदर बन गए अबे आज रात को किसकी ड्यूटी है बथों पे हैं तेरी या दूसरी बहन की है एक दिन ड्यूटी बथों पे एक भाई करता ना एक दिन बहन करती एक होती है ना तरेंगली ये रहता तरेंगली की कोई छोटी बहन है मरेंगली खरगोश भी जनाब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं डरते बड़ा हैं ये बड़ा मासूम जानवर है बेचारा ये कैलिफोर्निया नस्ल है ना इनके कान ऊपर से काले हैं और ये नोज जो है ना इधर से ये काला ये वाला ये देखें और ये जो है ना ये न्यूजीलैंड ब्रीड है इसके कान भी सफ़ेद हैं मुंह भी सफ़ेद है सारा ये जो न्यूजीलैंड है ना ये अच्छी माँ तसव्वुर की जाती है ये जो है ना गोश्त के लिए सबसे अच्छी ब्रीड यह तसव्वुर की जाती है दुनिया में अब जब हमने गोश्त के लिए जानवर पैदा करने होते हैं ना तो इनका नार इस्तेमाल होता है न्यूजीलैंड का और कैलिफोर्निया की मादा इस्तेमाल होती है तो फिर ये अच्छी माँ के तौर पर ना इसके बच्चे पालती है तो हाइब्रिड ब्रीड बन जाती है जो कि वेट गेन भी काफ़ी करती है क्रॉस में होती है ना लेकिन वो सारे जानवर स्लॉटरिंग में चले जाते हैं उनसे आगे ब्रीड नहीं ली जाती ना यानी कि इस काम में ना दो सेटअप चला जाते हैं एक प्योर ब्रीड का मतलब प्योर ब्रीड में हम ये न्यूजीलैंड वाइट की प्योर से प्योर क्रॉसिंग करवा के ना आगे पेरेंट फ्लक बनाएंगे और एक इनका पेरेंट फ्लक बनाएंगे और उनको क्रॉस करा के जो हाइब्रिड लेंगे वो आगे नीट में इस्तेमाल होगी अब जब जब क्रॉसिंग के दिन करीब आ रहे हैं ना बकरियों के तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है अब एक्साइटमेंट बढ़ने के पीछे वजह क्या है वो ये है कि ये जो बकरियां हैं ना ये सारी इनकी जब माएँ हमारे पास आई थी ना उनकी उम्र 5 माह 6 माह थी और वो 8 दांत पे क्रॉस हुई जाके और फिर ये 6 दांत पे क्रॉस हो रही हैं बच्चे देते देते इनमें से भी हो सकता है कुछ 8 दांत हो जाए बल्कि हो जाएंगी तो ये बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हमारे पास 5-6 माह की पट्ठियाँ आई वो पूरी जवान हुई फिर उन्होंने बच्चे दिए फिर वो बच्चे पूरे जवान हो के अब आगे बच्चे देने जा रहे हैं मतलब कम से कम जो एक सर्कल होता है सारा वो पूरा आ गया और इस सर्कल को पूरा होने में मेरे अंदाजे के मुताबिक को 5 साल के लगभग लग गए होंगे तो एक सर्कल सिर्फ कंप्लीट हुआ है अब आगे 2-3 सर्कल 4 सर्कल और जब होने हैं ना इनके जब बच्चे उनके बच्चे आएंगे आगे उनके बच्चों में से फिर उनके बच्चों में से आगे बच्चे आएंगे फिर 4-5 साल बाद आप जाके कह लें कि छांटी करते करते ना हमारे पास अपनी मर्ज़ी के अच्छे जानवर रह जाएंगे मतलब एक अच्छा ब्रीडिंग सेटअप बनते बनते मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है ना वो ये कहता है कि आपको 7 साल 10 साल कम से कम लग जाते हैं
अगर तो पहले किसी अच्छे ब्रीडिंग सेटअप से आप स्टॉक उठा लें, जैसे दुनिया में सारी में होता है, वो तो आपकी किस्मत, वो तो आप पहले दिन से आपके पास ब्रीडिंग स्टॉक आ गया। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं, तो वहाँ पे आपको जानवर खुद जब स्टॉक बनाना है ना, उसमें फिर आपको एक डेढ़ दहाई यानी कि 10-15 साल 12 साल 7-8 साल तो कहीं नहीं गए, फिर आपके पास को 50-100 जानवर या जितनी भी आपने कैपेसिटी रखनी है उतना तैयार होगा, तो आप उसे कह सकेंगे यार ये कुछ आंटी वाले अच्छे म्यारी जानवर हैं। लालची टोला भी जनाब सारा इकट्ठा हो गया, ये अफतारी का टाइम हो गया है, हमें भी कुछ खाने को मिलेगा। ए मैडम कुछ नहीं मिलना आज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये मैडम उधर पेशाब करने लग पड़ी है, देख मुझे रही है इतनी लालची मैडम। अच्छा बात कर रहा था, हाँ पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये बड़ी जल्दबाज और अजीब सी हमारी तबीयत है। आप देखें जब जब अफतारी का टाइम करीब आ रहा है ना, तो आप यकीन करें कि जो भी बाई रोड से बाइक गुजरे या गाड़ियाँ गुजरेंगी अफतारी से 10-15 मिनट पहले कम अज़ कम, इस कदर स्पीड से गुजरेंगे ना जैसे इन्होंने 2 दिन से रोज़ा रखा हुआ था, और हारन पे ऐसे हाथ रखा होगा और इतना ज़बरदस्त किस्म की बदतमीजी का माहौल होगा ना, हर बंदे को ऐसे लग रहा होगा भागा जा रहे से आग लग गई है। मतलब कि रोज़ा हमें क्या सिखाता है, सब्र तंबल बुर्दबारी बर्दाश्त ने, ये चीज़ें क्या क्या माशरों में हर जा के भागी जा रहे हैं, हमें ज़्यादा रोज़ा लग गया है, क्या हम रोज़े से सीखते हैं, ये सबक मिला हमें। बच्चा पाल्टी के लिए आज ना ये वाला फीडर इधर लग गया, अब इसमें हमने इन्हें मैच मंडा डाल दिया, एक फीडर बच्चा पाल्टी का वो उधर लगा हुआ है जिसको दूसरी साइड से चोर खा रहे, ये देखें दूसरी साइड से चोर पड़ गया, तो एक ये लग गया, अब ये ज़ाया ज़्यादा करेंगे खाएंगे काम, लेकिन ये है कि कम से कम ये खाने लग पड़ेंगे ना, इस तरह ना मिट्टी से तो बच देंगे, देखें कुछ खा रहे हैं। तो जो दूसरा बच्चा था डिस्टर्ब, वो पता नहीं वो शायद अंदर बैठा हुआ है, चेक करते हैं उसे। नहीं जी फिर आखिरकार रोटी भी हमें कहीं से दस्तयाब हो गई, और ये राइट बकरी भी रोटी खा रही है, और वो दूसरी लड़ाकू मासी भी आ गई, अब लड़ाकू मासी को भी रोटी देते हैं, ये लड़ाकू मासी रोटी खा लो, ये लड़ाकू भी, ये राइट बकरी, राइट बकरी का बहुत मोटा मुंह है देखा, आधी रोटी एक बार मुंह में डाल देती, बड़ी खुली खुले जिसम की बकरी और नीचे बैठी हुई भी होश आ गया कि मेरा भी मुझे भी मिलनी चाहिए, ये बेचारी बैठी हुई है इसको भी दे देते जल्दी जल्दी खा ली, खो लैन दिए ने ले लड़ाको और लड़ाको भी खा ली। ये काली बकरी बैठी हुई है जो डरती बड़ा ना, इसको भी इधर से पेश करते हैं, वो खा गई, ये उठ गई, लेकिन इसका मुंह छोटा है इतना नहीं इसे खाना। आप जनाब एक केले का पीस मिल गया, ये लो मैडम, मैडम केला खा गई। मामा हान ने जनाब कुत्ते को आज़ाद कर दिया बतहों के खाने में, कुत्ता जनाब वो एक्साइटेड इधर भाग गया, बतहों को चेक कर रहे आज़ाद हुआ ना, अरे बब्बू अबे आज़ाद हुआ ना, खुश है इसके, मेरा दिल है बाल भी ना कटवा दें, गर्मी आने वाली है, गर्मी में इनका ना वरना बड़ा बुरा हाल हो जाता है बेचारों का। अगर ये पहले इधर ये चौकीदार लापरवाही ना करते तो इसने तो बला को इधर भटकने नहीं देना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बला है खुद, बस चौकीदारों ने लापरवाही की ना तो इसको छोड़ा नहीं है, बला ने आके ना गेम डाल दिए, वरना तो वह बला की क्या हिम्मतियाँ, देखना ऐसे पैर जो है शेरों की तरह के उसके पंजे हैं, तो बला को कच्चे खा जाना था।
छापा पा रही है जी, रफ्तारी की तैयारी हो रही है। अबू बकर बच्चा ठीक है? शेर ठीक है बच्चा? हाँ जी चलो ठीक है। वो लगा रही है दूसरे। अच्छा वो फीडिंग टेबल लगा रही है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैं सोच रहा था कि अगर ये जगह हमें मिल जाए, ये जगह तो खाली पड़ी है वैसे, ऊपर छांव भी होती है, दरख्त है, हालांकि ये बेचारा दरख्त आता तो काट दिया गया। इधर हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसे छांव चाहिए, ट्राई की जा सकती है वैसे ही। हाँ अफ्तारी का जनाब टाइम होने लगा है, 10 मिनट रह गए, तो हम तो जनाब चलते हैं अफ्तारी की तैयारी में। और आप भी जनाब करें आराम, सुबह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।